आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक ऑथर। आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो एक बहुत ही विशेष विषय है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने हमें बहुत सारा अपना अपना सुझाव दिया और बहुत सारे वीडियो में अपना कमेंट के माध्यम से अपना बहुत सारा राय भी रखते हैं। तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे हिसाब से IBS वॉरियर्स के लिए, जो कि काफ़ी लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना अनुभव रहा है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण मेरे लिए इसलिए बना क्योंकि पिछले कम से कम मैंने 20 से 25 दिन में ये बात अनुभव की है कि जितने भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो हों या लॉन्ग वीडियो हों, जितने मैंने अपलोड किए हैं या अधिकतर मेरी जो लाइव स्ट्रीम शाम के ध्यान वाली क्लासेस की होती है, उसमें कुछ लोग अपना स्पेशली बहुत बार 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 हमें राय रखते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है IBS, जिसको आप IBS बोलते हैं, ये बोला कोई बीमारी नहीं है, इसको आप बोला साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और अपने समस्याओं का बोला आप समाधान वहाँ ले करके आ सकते हैं। कई लोग हमें बोलते हैं कि ये IBS बीमारी आप ठीक नहीं कर सकते हैं, जितने भी मानसिक विकार के विशेषज्ञ वाले हैं बोला वो इसे ठीक कर सकते हैं, तो बोला वहाँ इनको जाने दीजिए, इनसे कुछ नहीं होगा, ना आपकी मिट्टी से, ना आपके ध्यान से, ना आपके योग से, ना आपके नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, इनसे बोला कुछ नहीं होने वाला है। मैं आप सभी के सुझाव का और आप सभी के अनुभव का सम्मान करता हूँ और मैंने आज तक कभी किसी चिकित्सा पद्धति का विरोध भी नहीं किया, लेकिन अगर मूलतः बात यह है कि अगर सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं अगर साइकेट्रिस्ट जितने डॉक्टर होते हैं अगर उनसे ठीक हो पाती है, तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि जितनी मानसिक पीड़ाएं आज के समय में हिंदुस्तान की, अगर मैं एक रेशियो निकालूं जो कि मैंने गूगल से पर्सनल स्टडी किया, तो उसमें लगभग बोला जाता कि 7 में से 1 बंदे को मानसिक विकार है। तो हिंदुस्तान की लगभग 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो कितना परसेंट रेशो निकलता है, लगभग 4 से 5 करोड़ के आसपास कम से कम स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से आज लोग परेशान हैं। आप अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाते हैं या एलोपैथी डिपार्टमेंट में किसी अपने डॉक्टर से सुझाव लेकर के अगर आप वो दवा खाते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने एक बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि एलोपैथी किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है, उसके प्रेजेंट में कुछ सिम्टम्स को वो रोकता है। जैसे आपको अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी है या ओवरथिंकिंग है या लूप बनता है आपके विचारों का, तो आप बिल्कुल वो सुझाव मतलब वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इमीडिएटली तौर पे आपके जो थॉट हैं, जो आपका सोचने विचारने की जो क्षमता है, वो इमीडिएटली कुछ हद तक बंद हो जाएगी। वो एक समाधान है, वो हमें दिख भी रहा है कि हमने स्ट्रेस एंग्जाइटी को कुछ हद तक हमने मेडिसिन लेकर के ठीक किया। लेकिन जब आप मेडिसिन ड्रॉप आउट करना चाहेंगे या जिस समय आपकी मेडिसिन छूटेगी, आप मुझे बताइए कि आप मेडिसिन को आसानी से छोड़ पाएंगे? और अगर इसके बारे में आपको जानना है, जो कि आपने जानकारी सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से या आपने अपने अनुभव के माध्यम से मतलब जानकारी ली है, तो ये जानकारी भी लीजिए कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ना कितना मुश्किल होता है। हमारे आयुर्वेद, हमारे पुरातन ऋषियों की, वेद की और आध्यात्म की शक्ति में एक सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है कि अगर आप योग, ध्यान या प्राणायाम, ऐसे किसी भी चीज़ को अगर अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, जो कि हम करवाने के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ सबसे बढ़िया है, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ आने की कोई आवश्यकता थोड़ी है, मैं बोलता थोड़ी कि आप यहाँ उपचार लेने के लिए आओ, मैं पहले सुझाव देता हूँ कि आप घर पे करो, घर पे नहीं हो पाता है तो फिर आपको मैं यहाँ आने का निमंत्रण देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक की कि अगर आपको लगता है कि इतना मतलब इतना आसान है एलोपैथी डिपार्टमेंट की मेडिसिन छोड़ना, तो बिल्कुल मैं सभी उन IBS योद्धाओं को आज इस वीडियो के माध्यम से ओपनली बोलूंगा कि आप सब लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और अपने अपने सुझाव से, अपनी अपनी जिम्मेदारी से और अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग अपना ट्रीटमेंट लेंगे। और मैं आपको उन लोगों के स्क्रीनशॉट या कुछ रिव्यू आपको इस वीडियो के माध्यम से वो साझा भी कर रहा हूं, तो देखते रहिएगा। बहुत सारे लोगों ने एलोपैथी डिपार्टमेंट की मेडिसिन में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की बहुत सारी दवाइयां भी खाई है और उन्हें कोई आराम नहीं रहा। आप देख लीजिए इसी वीडियो की हम स्क्रीनशॉट, वीडियो पे हम आपको स्क्रीनशॉट या उनके सुझाव हम आपको साझा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमने पर्सनली सुझाव लिए हैं, हमारे पास जिनके कॉल आते हैं या जो हमने कमेंट मिलते हैं या लोग पर्सनली जो हमसे कन्वर्सेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों के सुझाव रहे थे। पेट में राइट हैंड में दर्द रहता सर, और डिप्रेशन की दवाई सर 10-11 साल से चली हुई है, दवाई ले लेता हूँ तो सर नींद आ जाती है, वरना नींद नहीं आती, ना पेट खुल कर साफ होता है सर, कभी कब्जी बन जाती है, कभी 3-4 बार जाना पड़ जाता सर। कि हमने बहुत समय तक हमने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का दवा खा लिया फिर भी हमें उपचार नहीं मिल रहा, बहुत समय तक खाया। तो जब आपका अनुभव ये कहता है कि
मनोचिकित्सक को आप दिखाइए और आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर मैं बोलूंगा सबको दिखाई, मतलब सब लोग वहीं पे जाओ ठीक हो के आओ। लेकिन जो लोग वहां से ट्रीटमेंट लेकर के आगे ठीक नहीं हो पाए, उनका क्या समाधान है आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। जितने लोग बड़े विशेषज्ञ मानते हैं ना खुद को IBS के बारे में, मैं बोलता हूं उनका क्या समाधान है। हम ये कहते हैं कि हम जो जानते हैं वो 80 से 90, 90 से 100% डेफिनेटली वर्क करता है। आप मुझे बताइए 500 से 100 साल पहले हम चले जाते हैं, उस समय क्या मनोचिकित्सा वाले थे, क्या उस समय हुआ करते थे आपके हिसाब से? कुछ भी तो नहीं। तो क्या उस समय लोग लाइफ सर्वाइव नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। क्या उस समय हमारी जैसी कोई संस्था चल रही थी IBS वेलनेस सेंटर को लेकर? कुछ भी तो नहीं थे। उस समय भी लोग अपने जीवन को यापन कर रहे थे। समय के साथ चीजें बदलती है। वाग्भट जी ये कहते हैं कि जो समस्याएं आज जितनी गंभीर थी, मतलब वाग्भट जी के समय में, उस समय उन समस्याओं का समाधान उसी स्तर से हो जाता था जो वाग्भट जी और सुश्रुत जी कहते थे। लेकिन आज की जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ये हम उस अकेले चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कई चीजें हमें इसमें इंटीग्रेट करनी पड़ती है। ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक आप स्ट्रेस के लेवल को हमारे अनुभव में रिड्यूस नहीं कर सकते। ध्यान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ध्यान से हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने कहां से कहां अपनी उपलब्धियों को बढ़ाया, कहां से कहां अपने ज्ञान का विस्तार किया। तो ध्यान से क्या हम हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो क्यों फिर आप एक ऐसी दवा का शिकार बन रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको भविष्य में नुकसान देगा? योग करने में कहां बुराई है? ध्यान करने में कहां बुराई है? सात्विक जीवन जीने में कहां बुराई है आप मुझे बताइए? ब्रह्मचर्य का पालन करने में कहां बुराई है? सुबह जल्दी उठ करके रात को टाइम पर सोने में कहां बुराई है? मैंने जितनी सारी चीजें बताई जो हमारे IBS वेलनेस सेंटर की विशेषताएं हैं, क्या किसी एक चीज से आपको नुकसान होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। लेकिन हम उन लोगों के लिए कार्य करेंगे जिनकी समस्याएं मानसिक स्तर तो हो सकती होंगी, लेकिन उनकी फिजिकली लेवल से जो समस्याएं हैं उनको ठीक कैसे करेंगे? हम देखते हैं IBS योद्धाओं को जब हम वो हमारे यहाँ आते हैं, पेट की ऐसी कंडीशन होती है पेट पत्थर जैसा होता है, अंगुलियां फिंगर डालेंगे तो पेट टाइट रहता है, इंटेस्टाइन पूरी चिपकी हुई होती है, मोमेंटम नहीं होता है। स्ट्रेस लेवल हमें पता है कि जब होता है तब फिजिकली प्रॉब्लम बिगड़ता है, क्योंकि हमारा पेट का जो घट है वो हमारे ब्रेन से रिलेट करता है, और जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा पेट ठीक नहीं होगा, पेट ठीक नहीं होगा तब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। लेकिन आप सोचो कि जिसका पेट टाइट है, जिसकी ऐसी हालत मरी पड़ी है, जो मतलब बेचारा कुछ खाने की अयोग्यता में है, आप उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी दवा खिला के कितने दिन उसको ठीक कर लेंगे? 1 महीना 2 महीना 6 महीना, उसके बाद क्या होगा? तो आपके हिसाब से जितने भी पेट के मरीज हैं या पेट के जितने भी रोगी हैं जिनको गैस बनता है या कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया का सिम्टम्स है, नाभि वगैरह हटी हुई होती है, या जिनके पेट में सूजन होता है जो कि कई बार जैसे किसी टेस्ट में वेरीफाई होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाओ, CT स्कैन कराओ, किसी मतलब 90% केसेस में पेट के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन पेट के टेस्ट में तभी डिजीज डायग्नोसिस होती है जब वो कोई डिजीज सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। लाइक भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेन गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लीवर सोराइसिस हो सकता है, ABC हो सकता है, मल्टीपल सिम्टम्स हो सकता है, लाइक भी किसी को फिशर हो सकता है, किसी को पाइल्स हो सकता है ना, किसी का लीवर फेलियर आ सकता है, मतलब सबकी अलग अलग समस्याएं डायग्नोसिस आ सकती है। वो किस चरण में? जब वो एक बहुत क्रोनिक लेवल पे जब आती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब अगर आप किसी समस्या को शुरू के केस में आप किसी को गाइड या किसी को आप ऐसा एक मार्ग दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उसके जीवन का उद्धार करने में उसको मदद करे, और आप बोलते हैं कि नहीं ये तो उपचार कोई काम नहीं करता है, आप लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो फिर आप मुझे बताइए जितने लोग आज बीमारियों से पीड़ित हैं उन सबको तो फिर साइको के पास ही जाना चाहिए। पतंजलि वेलनेस चलता है हिंदुस्तान में, आज के समय में कम से कम 100 प्राकृतिक चिकित्सालय मिनिमम से मिनिमम होंगे, कम से कम होंगे। नंबर दूसरा, जितने भी और उपचार पद्धतियां हैं जैसे होम्योपैथी है, ठीक है, एक अगर हम दूसरे उपचार की बात करें जिसमें मेरे हिसाब से बहुत विशेष चीज में मानता हूं, वो है पंचकर्म आयुर्वेद का। अगर सारी समस्याएं अगर साइको के पास ठीक हो सकती है, मनोचिकित्सक के पास ठीक हो सकती है, तो इन सबको बंद हो जाना चाहिए अगर आप ये मानते हैं तो। लेकिन आप बोलेंगे नहीं कुछ लोगों को समस्याएं होती है, तो हमने ये कब कहा कि हम सबके लिए बैठे हैं? हम तो ये कहते हैं कि जिनको फिजिकली प्रॉब्लम है उनको हमारे यहाँ आने की आवश्यकताएं हैं, लेकिन दूसरे चरण में ये भी कहते हैं कि जिनको स्ट्रेस एंग्जाइटी के लेवल से दिक्कत है उसका भी समाधान है। एलोपैथी दवा खाओ तो भाई तब खाओ जब उसकी बहुत विशेष आवश्यकता हो। एक ऐसी स्थिति में आप फंस गए जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसे एक्सीडेंटल केस है, कोई ब्लीडिंग केस है, कोई सर्जिकल केस है, ऐसी कोई विशेष स्थिति में आप एलोपैथी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, उसके लिए बना है।
लेकिन आप किसी ऐसी डिजीज के लिए जो कि आपका सिर्फ सोचने का पार्ट है, सिर्फ एक आपकी लाइफ का बैलेंस करने का पार्ट है, अगर आप उस ट्रीटमेंट मतलब उस चीज को ठीक करने के लिए कि भाई मैं सोचना बंद कर दूं और मैं किसी मनोचिकित्सक के देख रेख में कोई दवा खाता रहूं, तो भाई आपको तो 10 महीने उपचार चलेगा, 10-11 महीने चलेगा, 12 महीने चलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 12 महीने आप मनोचिकित्सक की आपने दवाई खाई और 12 महीने बाद जब आपकी दवा बंद हो गई, तो फिर मुझे आप बताइए कि फिर क्या आप लाइफ का आगे का पार्ट सर्वाइव नहीं करेंगे? मतलब नॉर्मली आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य करेंगे ना, चाहे आपका प्रोफेशन हो, कोई फील्ड का काम हो, आपका पर्सनली कुछ काम हो और कुछ भी काम हो, आपको सोचना तो वहाँ पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 12 महीना निरंतरता से हमारे कहे अनुसार अगर आपने योग और ध्यान को अपनाया तो आपका जीवन भविष्य का पूरा अच्छा होगा, आपके 90 से 100% आने वाली बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी एक साल में। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एलोपैथी दवा खा करके, एक मनोचिकित्सक की दवा खा करके ये सोचे भाई मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और ये सोचते हुए अगर आप वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी की आज़ादी है, आप सब कुछ वो कर सकते हैं जिनमें आपको आनंद आता है या जिसमें आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं पर्सनली जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे भीतर श्वास रहेगी, मैं तब तक मेरे IBS वेलनेस सेंटर की कम से कम ये कोशिश करूंगा भाई जितने लोग कम से कम बिना दवा प्राकृतिक तौर पर वो ठीक हो सकते हैं उन सभी के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बाकी जितने लोग ये मानते हैं कि उनकी समस्या फिजिकली कहीं ठीक नहीं हो सकती, उनकी समस्या सिर्फ एक मनोरोग चिकित्सक ठीक कर सकता है, तो फिर मैं उन सभी को आज के बाद ना तो उनको मेरे पास कॉल करने की आवश्यकता है ना मुझे उनको करने की आवश्यकता है। तो उन सभी को मैं ये बोलूंगा कि जहां आपको जाना है वहां जाइए, मेरे पास सिर्फ उन्हीं को आने की आवश्यकता है जिनको मेरे पर विश्वास है या आध्यात्म विश्वास है या फिर योग या ध्यान की जैसी चीज़ों में विश्वास है। अगर इन चीज़ों में बिलीव है तो आप हमारे पास आइए, आपको लगता है कि नहीं है तो फिर वो आपकी मर्जी की बात है। लेकिन फिर मैं वहीं बोलूंगा जिस गुरु से हमने दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने बोला कि बेटा जब तक शरीर में जान है तब तक लड़ो उस पुरुषार्थ से, उस संकल्पता के साथ हर उस व्यक्ति का जीवन बदलने की कोशिश करो जो आपसे जुड़ा है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं आपको उसमें मेरा किसी को कोई ना तो दंडित करने का मतलब प्रयास था, ना किसी को मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना किसी चिकित्सा पद्धति का मैं विरोध करता हूँ। सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, जिसमें जाना चाहें आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन जो हमसे जुड़ेंगे उनका जीवन हम हमारी ओर से पूरा प्रयास करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी हर एक क्षेत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आपका है। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि आप सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो, कि आपका आने वाला जीवन अच्छा हो, मस्त हो और स्वस्थ हो।